एनी केडिस ने कहा है कि सबसे अच्छी तस्वीरें वह हैं जो वर्षों तक अपनी ताकत और प्रभाव को बरकरार रखें, चाहे उन्हें कितनी बार भी देखा जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिलीप कुमार। अबाउट कैमरा सीरीज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शटर स्पीड के बारे में। तो क्या है शटर स्पीड? फोटोग्राफी में तीन महत्वपूर्ण सेटिंग में से एक शटर स्पीड है, अन्य दो ISO एंड अपर्चर है। सरल शब्दों में बात करें तो शटर स्पीड 1 सेकंड का वो भाग है जिसमें कैमरे का शटर खुलता और बंद हो जाता है और इमेज क्लिक हो जाती है। तो आप सोचेंगे फिर इतनी चर्चा क्यों है शटर स्पीड के बारे में? यह तो 1 सेकंड का भाग है ना जिसमें शटर कैमरे का शटर खुलता और बंद हो जाता है। मान लीजिए सड़क पर एक कार दौड़ रही है या कुछ लोग दौड़ रहे हैं, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं या कुछ भी चीज़ जो हिल रही है, ये 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ तक की दूरी तय करते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड में एक इमेज क्लिक की जाए तो आपकी इमेज क्लियर नहीं नज़र आएगी। इसका रीज़न यह है कि कैमरा ने यहाँ से वहाँ तक की दूरी को एक ही फोटो में क्लिक किया है, तो इमेज यहाँ से वहाँ तक एक ही फोटो में ऐसे हिलते हुए नजर आएगी, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। शटर स्पीड का ऐसा साइन होता है, इसमें एक फोटो 30 सेकंड में क्लिक होने से लेकर एक फोटो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक क्लिक होती है। पर ये सिंपल है, इसके कुछ इफेक्ट भी होते हैं। शटर स्पीड का काम लाइट को कम ज़्यादा करना भी होता है। ये लाइट के एडजस्टमेंट को ही दर्शाता है, पर आपकी कैमरा की सेटिंग की स्किल के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इससे कुछ क्रिएटिव फोटोज भी लिए जाते हैं। ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। शटर स्पीड बहुत महत्वपूर्ण चीज है, न कि इससे फोटो ब्राइट और डार्क होती हैं, बल्कि इससे फोटो का मोशन भी कैप्चर होता है। स्लो मोशन और हाई मोशन भी शटर स्पीड पर भी निर्भर करता है। यहाँ तक कि वीडियो में टाइम लैप भी शटर स्पीड पर ही निर्भर होते हैं। एक फोटो बिल्कुल चलती हुई कार की भी स्टेबल नज़र आती है, एक फ़ोटो चीटी भी चल रही होती है वहाँ पे भी आपको धुंधली और हिलते हुए नज़र आती है। वो आपकी शटर स्पीड की कला पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब ये सवाल निकल के आता है कि बेस्ट शटर स्पीड क्या है, नाइट में क्या शटर स्पीड होनी चाहिए और डे में क्या शटर स्पीड होनी चाहिए। पर ये आपके सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि आपको क्लिक करना क्या है। बेस्ट फोटोग्राफर्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं नाइट में, तो लोग नाइट में 60 से 120 तक की स्पीड रखते हैं, और वहीं अगर डे की बात करें तो इंडोर और आउटडोर पर भी निर्भर करता है कि आप क्या शटर स्पीड रखना चाह रहे हैं। इसके साथ ही बात करें स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की, तो लोग 800 से ऊपर की शटर स्पीड रखते हैं। अगर हम नॉर्मल कोई पोर्ट्रेट मोड क्लिक करते हैं तो 200-250 की स्पीड भी रख सकते हैं। डिपेंड ऑन आपकी लाइट क्या है और आपको कितनी स्पीड पर आपका सब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, उसके हिसाब से हम शटर स्पीड रख सकते हैं। बाकी आपको क्या फ़ोटोज़ चाहिए उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कभी कभी डिपेंड करता है कि आप क्या इमेज क्लिक करना चाहते हैं, उसके साथ ही आपका सब्जेक्ट क्या है, इस पर भी आपकी शटर स्पीड निर्भर करती है। बेस्ट फोटोग्राफर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने शटर स्पीड को कुछ इस तरीके से बताया है कि अगर आप जिस mm लेंस पर शूट कर रहे हैं उससे डबल शटर स्पीड होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 50 mm पर शूट कर रहे हैं तो 100 शटर स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप 85 mm पर शूट कर रहे हैं तो उससे डबल शटर स्पीड होनी चाहिए, जिससे कि हमारा सब्जेक्ट हिलते हुए नज़र नहीं आएगा। हमेशा याद रखें, जिस लेंस से आप जितने mm पर शूट कर रहे हैं उससे डबल शटर स्पीड ही रखें। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। शटर स्पीड के बारे में जानकर आपको कैसा लगा यह कमेंट में बताएं। अगला भाग ISO पर आधारित होगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।